State of Nature. In this session, we are going to discuss the topic of state of nature with specific reference to Hobbes' philosophy. According to Hobbes, the state of nature was in which there were no criteria of right and wrong. People took for themselves all that they could, and human life has no importance. हॉब्स का ये ख्याल है कि जो एक सिचुएशन जिसे स्टेट ऑफ नेचर का नाम दिया जाएगा कि नेचर की तरफ से एक सिचुएशन क्रिएट की गई है कि हर इंसान जो माशरे के अंदर जिस फर्द की क्रिएशन होती है जो फ़र्द जन्म लेता है किसी भी माशरे के अंदर उसकी क्या अहमियत है क्योंकि जो कुछ भी उसके जुम्मे हैं जो उसकी लिमिटेशन हैं जो उसकी पावर्स हैं वो सबकी सब किस सब पर डिपेंडेंट हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर सो फॉर हॉब्स द स्टेट ऑफ नेचर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई द वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन यानी ये बेसिक जो लाइन है ये हॉब्स की फिलोसफी की रिफ्लेक्शन है दैट वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन हर इंसान के अपने मफादात हैं जिनके हसूल के लिए उसका मुकाबला हर दूसरे फ़र्द के साथ है सो अ कंसिस्टेंट एंड वायलेंट कंडीशन ऑफ कंपटीशन इन विच ईच इंडिविजुअल हैज़ अ नेचुरल राइट टू एवरीथिंग रिगार्डलेस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स सो द स्टेट ऑफ नेचर इज़ अ कॉन्सेप्ट यूज इन फिलासफी

कोशिश ये करेगा कि किसी तरीके से वो अपने मफादात के हसूल के लिए जिस तरह से वो हासिल होते हैं और जिस लेवल तक वो हासिल करना चाहता है ये जंग जो है वो हर एक के साथ लड़ी जाएगी सो फिलासफर्स हैव यूज द आइडिया ऑफ अ स्टेट ऑफ नेचर टू आर्ग्यू दैट स्टेट इज़ बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट बिटवीन पीपल टू लिव टुगेदर अंडर लॉस अब बहुत सारे फ़िलासफ़र्स का क्या पर्सपेक्टिव है स्टेट के बारे में कि स्टेट बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है इंडिविजुअल्स का आपस में कि सब मिलकर कैसे रह सकते हैं यानी स्टेट की ये इम्पॉर्टेंस है कि वो इंसानों को मौका देती है इकट्ठे रहने का इकट्ठे काम करने का सो इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हॉब्स लॉक रूसो दे आर द फिलोसफर्स दे टेक अपोजिंग स्टैंड ऑन द स्टेट ऑफ नेचर एंड देयर फॉर टेक डिफरेंट व्यूज ऑन द अथॉरिटी एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट हॉब्स के साथ साथ दो और बहुत इम्पॉर्टेंट फिलासफर्स हैं लॉक एंड रूसो जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है लेकिन इन तीनों का आपस में कहीं अख्तलाफ है कहीं इनके ख्याल को हम बा आसानी कंपेयर कर सकते हैं लेकिन इन सब के हाँ जो चीज़ मुश्तरक है वो ये बात है कि हर एक जो स्टेट है जिसकी क्रिएशन एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ हुई है और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो किस बात की है कि अथॉरिटी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होनी है और वो किसके पास होगी और फिर इसी तरीके से जस्टिफिकेशन ऑफ़ द स्टेट इट मैटर्स अ लॉट जस्टिफिकेसन ऑफ स्टेट में हॉब्स की फ़िलासफ़ी ये है कि ने जो नेचर है वो एक्चुअली मास्टर है स्टेट की जबकि कुछ फ़िलासफर्स का ये ख्याल है कि स्टेट के अंदर रहने वाले जो जिनको जो ऑपरचुनिटीज़ मिलती हैं वो असल में स्टेट प्रोवाइड करती है दैट हाओ दे कैन लिव टुगेदर हाउ दे कैन लिव फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ़ देयर लाइव्स यानी जिंदगी गुजारने के लिए मिलजुल कर रहने का एक मौका जब स्टेट प्रोवाइड करती है तो वो किसके थ्रू होता है बेसिकली वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो जाता है जिसमें कुछ बाउंड्रीज डिटर्मेंट हो जाती हैं लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बुनियादी तौर पर जो हुक्मरानी हो वो कानून की हो तो हर एक की ज़िंदगी जो है वो पीसफुल होगी और अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हर कोई अपने लिए प्रॉपर स्ट्रगल जो है वो करने की उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो असल में कानून और रियासत की डिबेट है जिसको मुख्तलिफ फिलॉसफर्स अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में हॉब्स का एक अपना पर्सपेक्टिव है